नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ हनुमान चालीसा। पढ़ते वक्त भूलकर भी न करें ये सात गलतियाँ, उठाने पड़ सकते हैं बुरे परिणाम। भक्त बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मन चाहा फल प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयां शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, किसी बीज की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीज की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीज की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करके कोई भी पाठ अगर आप कर रहे हो तो उसे सच्चे मन से करना चाहिए, अन्यथा पाठ करने का फल कभी भी नहीं मिलता है। नंबर दो, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। नंबर तीन, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और हमेशा मांसाहारी चीजों, शराब के सेवन से दूर ही रहना चाहिए, तभी आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट है नंबर चार, किसी से वैर का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। नंबर पाँच, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर छः, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती है तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख दर्द बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर सात, कोई अपराध न करे और झूठ न बोले। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति
छल कपट और द्वेष है तो इससे आपकी पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। नंबर 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्य पूर्वक करना चाहिए। नंबर 9, राम का नाम लिए बिना न करें शुरुआत। सभी इस बात से परिचित है कि हनुमान राम जी के परम भक्त है, इसीलिए भगवान श्री राम जी का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत न करें, वरना आप इसके फल से वंचित रह जाएंगे। नंबर 10, तन और मन रखे साफ। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों ही साफ होना बेहद जरूरी है। नंबर 11, मन में न लाए अनुचित ख्याल। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए। प्रयास करें कि चालीसा पाठ के समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। नंबर 12, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाने से और हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करने से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। नंबर 13, कभी भी गलत संगत वाले लोगों के साथ में न रहे। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं फिर भी गलत लोगों के संगत में बैठते हैं, उनका साथ उनके गलत कामों में देते हैं तो आपका पतन निश्चित है, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहे। नंबर 14, ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भरकर रख ले। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर ले। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 15, सूतक काल परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां पर सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।